उधर भड़काऊ भाषण के दौरान जो दो मामले थे उसमें AIMIM के नेता और असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को हैदराबाद की निचली अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। कहा गया कि इस मामले के सभी गवाह अपने बयान से पलट गए। ये मामला 2012 का है जब भड़काऊ भाषण देने के आरोप में अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ केस दर्ज किए गए थे, लेकिन हैदराबाद की निचली अदालत ने अकबरुद्दीन ओवैसी को बड़ी राहत देते हुए उन्हें इन दोनों मामलों में रिहा कर दिया। ये दोनों मामले 2012 में तेलंगाना के निर्मल और निजामाबाद में दर्ज किए गए थे और आरोप लगाया गया था कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला बयान दिया है। हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। कोर्ट का फैसला आते ही असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना के लोगों के साथ अकबरुद्दीन का केस लड़ रहे वकीलों का शुक्रिया अदा किया। अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को MP MLA ट्रायल कोर्ट ने उनको बरी किया है। अकबरुद्दीन ओवैसी पर लगे इन आरोपों के बाद देश की सियासत गर्मा गई थी, कई राज्यों में उनका विरोध शुरू हो गया था। वहीं अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद उन्हें 40 दिन तक जेल में रहना भी पड़ा था, जिसके बाद उन्हें जमानत मिल गई थी। इस मामले की CID से जांच कराई गई थी, जिसने 2016 में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। यही नहीं, भड़काऊ भाषण के इन दोनों मामलों की जाँच के दौरान 70 से ज्यादा लोगों से पूछताछ भी की गई थी।